नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। केबीएस पीआरटी सब कुछ बदल गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोलते हैं कि पूरी भावनाएं बदल दिया है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो चेंज आए हैं वो आपके लिए आसान हुआ है, कठिन नहीं हुआ है। इस पूरे वीडियो में हम एक ही कड़ी को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्या चेंज आया है सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो और केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सर्वाधिक अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए साबित होने वाला है। मैं आपको बता दूं, पीआरटी का पूर्णता निःशुल्क बैच हम लोग यहाँ पे चलाने वाले हैं, जिसमें पूरा का पूरा लाइव क्लासेस, सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे प्रैक्टिस, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। 8 दिसंबर सारी क्लासेस होगी और इस बात की गारंटी के साथ मैं चीजों को आपके लिए लेके आ रहा हूं कि जितना कोई फीस लेके आपसे पढ़ाएगा उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी के साथ और आपके सिलेक्शन की गारंटी के साथ यहां पे हम लोग इस कोर्स को यहां पे चलाएंगे, संचालित करेंगे। लेकिन उससे मैं बता दूं कि जो मेजर चेंजेस है वो चेंज क्या है उस चीज को देखो। पहले जो आपका पेपर होता था 150 अंक का बच्चों, वो 150 अंक की जगह पे अब क्या हो गया 180। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते थे वो भी आपके 150 होते थे, अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया है वो 180 हो गया। यही नहीं, पहले जो इंटरव्यू होता था वो 85-15 के रेशियो में होता था, अब जो इंटरव्यू हो गया है वो 70-30 के रेशियो में हो गया। लेकिन अभी भी घबराना नहीं है, इसमें भी इस 30 में इंटरव्यू स्टिल आपका 15 है। जो 15 85 से जो 15 इधर आया है वो क्या हो गया है, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके प्रैक्टिकल पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। और ये केबीएस में बहुत पहले से बात चल रही थी, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे उनमें हमेशा इसके आधार पे किया जाता है। इस चीज को इन्होंने ओपन वैकेंसीज में भी अब ले आया है कि जो यहां पे अब आप सेलेक्ट होगी तो डायरेक्ट केवल रिटन एग्जाम के और इंटरव्यू के आधार पे नहीं, आपको जाके कुछ बच्चों की क्लास लेनी पड़ेगी और उसके आधार पे इवेल्युएशन होगा। बच्चे होंगे या हो सकता है आपके सामने एक बोर्ड हो, पढ़ा के आपकी मेथोडोलॉजी हो, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग की जाएगी। तो ये भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहीं ना कहीं इनका एक कदम बोल सकते हो। तो 15-15, 30 और 70, ये मतलब अब जो आपका यहां पे 180 मार्क्स है इसको 70% में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो आपका 60 मार्क का होने वाला है इंटरव्यू और आपका वो टेस्ट जो होने वाला है वो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 क्वेश्चन इसके होंगे, ठीक है। ये तो उस वाले का पार्ट है, अलग से 15-15 जो 30 होगा उसमें से आपका आधा इंटरव्यू होगा, आधा आपका वो होगा, वो मैं आपको डिटेल यहां पे बताने वाला हूं। तो समझिएगा मार्किंग स्कीम 180 में बदला क्या है। अगर आप देखें पहले भी पार्ट वन था, पार्ट टू था और सब्जेक्ट था, कहीं ना कहीं ऐसे तीन पार्ट में था। वैसे तो पार्ट वन और पार्ट टू था, पार्ट टू में कुछ और भी अलग मिसलेनियस थे प्लस सब्जेक्ट थे। अब इसने क्या कर दिया है कि पार्ट वन में 20 मार्क्स कर दिया है, फिर दूसरा पार्ट बनाया है, दूसरे पार्ट में फिर से 20 कर दिया, मतलब पार्ट वन 20 हो गया, पार्ट टू 20 हो गया, टोटल आपके पास हो गए 40। फिर जो तीसरा पार्ट इसने किया है 60, ये जो अभी तक होता था ये टीचिंग मेथोडोलॉजी के नाम से होता था, ये क्वेश्चन पहले 20 होते थे, अब बढ़ के कितना हो गया है 60, मतलब 40 क्वेश्चन का क्या हो गया है, 40 क्वेश्चन का यहां पे इजाफा हो गया है इसमें। अगर देखा जाए तो यहां पे कम हुए हैं, यहां पे बढ़ा है। पहले रीजनिंग 10 आता था, अब 5 आएगा, पहले कंप्यूटर 10 आता था, अब 5 आएगा, इसका मतलब 10 क्वेश्चन यहां पे कम किया गया है, वो 10 क्वेश्चन यहां पे बढ़ाया गया है। तो 30, और यही 30 नहीं, 150 से सीधा 180, मतलब 30 की बढ़ोतरी जो है वो जो एक्स्ट्रा बढ़ोतरी है वो भी यहां पे किया गया। मतलब कि इस 20 में जो 40 बढ़ाया गया है वो 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर प्लस रीजनिंग मिला के है, और 30 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा डाला गया है वही आपका क्या हो गया, इसी में डाल दिया गया है, वो आपका 150 से इसी कारण 180 हो गया है। बाकी आपका सब कुछ वहां पे है। एक चीज अच्छा ये है कि अभी तक जो आपका सब्जेक्ट था वहां पे बच्चे बहुत परेशान होते थे कि जीएस पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स बहुत टफ आएगी, वहां पे साइंस पढ़ना पड़ेगा, अब सब कुछ आपका सीटेट के आधार पे, मतलब जिस आधार पे आपने सीटेट की तैयारी की है उसी आधार पे आपका पीआरटी का भी पेपर होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, सीटेट में भले ही सिलेबस सेम है, पूछने का तरीका कुछ और था, केबीएस के पूछने का तरीका थोड़ा सा पारंपरिक होगा, जो आपको इस बार तैयारी के लिए एकदम नई दिशा में तैयारी करना पड़ेगा, बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो जो ये 60 क्वेश्चन आपके पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप है, मतलब कि आपका जो लीडरशिप और कैसे आप लर्निंग, जैसे पेडागॉजी ही आप बोल लो, थोड़े से पार्ट जोड़े गए हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कि लर्नर के बारे में, ये सीटेट में आपका पॉइंट होता है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग देखना है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप,
पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये 15-15 के ऊपर के दो टॉपिक हैं और बाकी तीन नीचे के 10-10 है, मतलब 30 ये हो गया 30 ये हो गया, टोटल 60 क्वेश्चन किए हैं यहां पे, वेटेज पड़ा है और इसके क्वेश्चंस भी इस बार नए फ्रेम होंगे, तो अभी किसी को नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन होंगे, इस कारण से इस पार्ट में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और अब तैयारी करते समय जब आप पीआरटी की तैयारी करोगे तो हकीकत में आपको लगेगा कि नहीं भाई हम किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ऐसी चीजें पूछ रहा है, वरना अभी तक क्या होता था, अभी तक केवल 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी का पूछता था, बाकी सारे पारंपरिक होते थे, तो ऐसा लगता था कि हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लर्क वाले बच्चे यहां पे जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होते थे यहां पे बीट दे देते हैं। अब जो केवल पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो गया है, तो यह आपके लिए खुशखबरी है, इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ही आपको दिखा दे रहा हूं कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है उसमें क्या होगा, पहले वहां पे 60 पूछता था, अब यहां पे क्या पूछ रहा है 80 पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले जो होता था वो 60 पूछता था, अब आपसे कितना पूछ रहा है 80 पूछ रहा है, इसे देख लेते हैं कि यहां पर क्या बढ़ा है, वो 30-32 कहां पे आ गया, मैं इसे आपको दिखाता हूं कि वो पेज कहां गया, मेरे ख्याल से 151 पेज पे था वो, हाँ ठीक है, नहीं दिखा देते हैं आपको बस एक सेकंड कि इसमें जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो कहां पे है, चलिए शायद इसमें नहीं है, होगा इसी में कहीं, बट मैं आपको बता देता हूं कि उसका जो पार्ट था, हाँ इसमें पीजीटी हिंदी आ रहा है अभी आपका, फिर इसमें आपका हिस्ट्री वगैरह आ रहा है, ज्योग्राफी वगैरह आ रहा है, संस्कृत वगैरह आ रहा है, ये है शायद आपका टीजीटी का है, टीजीटी के बाद आपका टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक का है ये आपका पीआरटी म्यूजिक और उसका होगा सिलेबस ऑफ पीआरटी म्यूजिक, इसे देख लेते हैं स्पेसिफाइड, है ना, तो इसमें जो आपका 80 है ये आप सही से देखो, तो इसमें इंग्लिश में तो इस सब्जेक्ट से पूछेगा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद फिर आपका वही टॉपिक जो पहले दिया हुआ था आर्टिकल से पूछेगा, कॉमा से पूछेगा, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव से पूछेगा, प्रपोजिशन से पूछेगा। हिंदी में व्याकरण संज्ञा विशेषण वचन पहचान और व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, शनयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम, उसके बाद सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण की संज्ञा, ये सारी चीज पूछेगा, वचन का प्रयोग, क्रिया काल कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग प्रयोग, लिंग का प्रयोग, इन चीज को देखो। अभी तक आपका क्या होता था, मैथ्स होता था, साइंस होता था और ईवीएस होता था, यह चीज यहां पे हटके क्या हो गया है, केवल मैथ्स रखा गया है और इसमें केवल ज्योमेट्री पूछी जाएगी, मतलब आपका अब अरिथमेटिक वाला पार्ट भी यहां पे क्या हो गया, गायब कर दिया गया है, वो भी नहीं पूछेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स में डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर, मनी मेजरमेंट, लेंथ, और ये सब पूरा सीटेट वाला सिलेबस है। ऐसे ईबीएस में भी फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स भी मे कैन डू, पूरा जो आपका प्राइमरी का जो सीटेट वाला होता था वो आपका यहां पर दे दिया गया है, तो ये बेहद आपका क्या हो गया है, आसान हो गया है। अगर हम आसान भाषा में इस चीज को समझें तो आपका जो पूरा 180 क्वेश्चन है इसमें आपका जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, आप शॉर्ट फॉर्म में देख लो, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का है, ये बनाएगा आपका पार्ट वन, ये क्या बनाएगा, पार्ट वन बनाएगा, पार्ट वन से टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे। ऐसे ही जो पार्ट टू होगा, पार्ट टू से भी आपका क्या हो जाएगा, पार्ट टू से आपके 10 क्वेश्चन किससे होगा, जीके और करंट अफेयर से होगा, जिसमें करंट अफेयर ज्यादा होगा, 5 आपका रीजनिंग होगा और 5 आपका क्या होगा, कंप्यूटर होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन यहां पे भी होगा, 20-20-40 ये हो गए। फिर जो पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री में अगर बात किया जाए तो यहां पे पेडागॉजी वाला पार्ट है, ये पेडागॉजी वाला पार्ट है, है ना, इससे आपके 60 क्वेश्चन बनेंगे, कितने बनेंगे 60 बनेंगे, 100 क्वेश्चन हो गया। और अगर हम पार्ट फोर की बात करें, पार्ट फोर की बात करें तो यहां पे सब्जेक्ट नॉलेज है, और सब्जेक्ट नॉलेज आपका क्या आएगा, ये आपका 80 क्वेश्चन का आएगा, यानी अभी भी आप देख लो इसमें हिंदी और फिर इसमें इंग्लिश और फिर इसमें क्या पूछेगा, इसमें मैथ्स,
और इसमें ईवीएस, ये चार पोर्शन मिलके बनेंगे। और अगर बराबर बराबर होगा, वैसे हिंदी इंग्लिश कम पूछेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश ऊपर भी पूछा जा रहा है, और इसकी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड स्कीम बता दूं तो 10 हिंदी के होंगे, 10 इंग्लिश के होंगे यहां पे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 30 आपके मैथ के होंगे और 30 आपके ईवीएस के होंगे। पूरा सीटेट वाला पैटर्न आपका चलने वाला है। कहने का मतलब यह हो गया कि अब आप ओवरऑल वेटेज अगर देखो तो मैथ का अच्छा खासा वेटेज जा रहा है, ईवीएस का अच्छा खासा वेटेज जा रहा है, हिंदी इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज जा रहा है, बाकी आपका ये पेडागॉजी वाला पार्ट अकेला पार्ट जो लेके जा रहा है वो 60 क्वेश्चन ज्यादा लेके जा रहा है। तो किसी पेपर बैलेंस हो गया है, पेडागॉजी भी 60 हो गया है, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी 80 हो गया, उससे ज्यादा ही है, इसमें भी आपको स्कोर करना है। और दूसरी बात, जो आपको 70 और 30 का जो रेशियो है, यहां पर आपको थोड़ा सा और भी करना है। अब यहां पे एक चीज समझना कि आपका केवल रिटन एग्जाम ही सब कुछ नहीं है, आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो वहां पे आप देखिए प्रैक्टिकल दोगे, वो भी आपका उतना ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके बहुत कम फ्रैक्शन होंगे, रिटन में आपको नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अगर यहां पे 30 में अगर आपकी चीजें गड़बड़ाती हैं तो। वैसे मैं आपको बता दूं, 70 15 और 15 के रेशियो में इसमें अगर आप थोड़ा भी अच्छा कॉन्फिडेंटली पढ़ा लोगे तो 10 से 12 नंबर यहां पे आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। अगर ये 15 में हमेशा से ही 10 से 11 नंबर इसके एवरेज मिलते रहे हैं इंटरव्यू में, ना किसी को बहुत ज्यादा मिलते हैं ना किसी को कम मिलते हैं, और इस 70 में जो बच्चों का जाता है, क्योंकि ये पहले 150 का होता था, उसे 85% में कन्वर्ट किया जाता था, तो उस समय 120-125 नंबर लाने वाला बच्चा 150 में से बहुत अच्छा होता था। अब 180 में, क्योंकि यहां पे 70% ही कैलकुलेट किया जाएगा, अब आपको और भी ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 180 में से 160 प्लस तो मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका 70 में कहीं 60 वाट के करीब बनेगा, 55-60 के करीब बनेगा, उस हिसाब से परसेंटेज अगर आप देखोगे, और तब आपका जो 100 में पूरा बनेगा वो जाके 80-80 के करीब बनेगा, यानी कि पीआरटी में जो फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ की लड़ाई हो गई है वो अच्छी हो गई है और बहुत रैंडम हो गई है, कुछ पता नहीं है कि किस स्टेज पे कौन सा बच्चा बाजी मार जाए, किस स्टेज पे कौन सा बच्चा वो हो जाए। कहने का मतलब ये कि अब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तीनों ही स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, साम दाम दंड में सब लगा देना है, तैयारी बहुत विधिवत होनी चाहिए, सब्जेक्ट में भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, पेडागॉजी में भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज में भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि ऐसे टीचर से पढ़ना है अब आपको, और इस चीज में और बोलूंगा, ऐसे टीचर से पढ़ना है जिससे सीखना है कि यार उसकी टीचिंग स्टाइल कितनी गजब की है, ताकि वो जो 15 आप जिस समय तैयारी कर रहे हो ना, उसी समय आपका 15 नंबर जो है, ये 15 ये आपको वही तैयार होता जाए। भाई एक अच्छे अध्यापक से जुड़ोगे, एक एक्सपीरियंस से जुड़ोगे, उसके पास ज्यादा अनुभव है, या फिर आप ऐसे बोलो कि वो पढ़ा, वो समझाने का तरीका बहुत बेहतरीन है, अगर आप उससे जुड़ते हो तो नो डाउट, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं चेहरा ही नहीं दिखाते हैं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तो सोके उठ के आए हैं चले आए हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी ही नहीं होती, बहुत सारे मोटिवेट नहीं करते, तो आप उन टीचरों से दूर भागो, क्योंकि वो वहां से भी आपको सीखना है, उनके टीचिंग स्टाइल को कॉपी करना है, वो 15 आपका स्कोर बढ़ाएगा। और यकीन मानो, ये जो आपका 15 है, अगर आप हमसे जुड़ते हो तो ये 15 आपको इसी तैयारी के दरमियान में आपका इनहेंस करवा दूंगा, मतलब 180 पार्ट ये आपका और 30 नंबर वो आपका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं स्कोर हो जाएगा, बाकी इंटरव्यू की भी आपकी कहीं ना कहीं गाइड अच्छे से करा दी जाएगी। तो उम्मीद है ये सेशन पीआरटी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा, आप इसमें बहुत सारी चीज समझने को मिला होगा। सेशन अगर पसंद आए बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे निःशुल्क बैच से जुड़ना चाहते हो, मैं एक बात आपसे जाते जाते कहूंगा कि आप अगर कहीं बैच लेने का सोच रहे हो ना, 2-3 दिन रुक जाओ, 8 तारीख से हम बैच चलाएंगे, 8, 9 और 10 तारीख तक रुक जाओ, क्योंकि 5 से फॉर्म भरना शुरू होगा, 10 तक रुक जाओ, कोई इतना वो नहीं पढ़ा जा रहा है, सबकी जो लाइव क्लासेस होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, थोड़ा ज्यादा मेहनत करके देख लीजिएगा, लेकिन आप 8, 9, 10 को अच्छे से डेमो लो, 8, 9 में ही आपको 8 तारीख को आइडिया लग जाएगा कि हमें यहां पर कंटिन्यू करना है कि कहीं और पर जुड़ना। और एक बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, कोई क्या ही पढ़ा देगा, उसका बिटकॉइन आपको खरीदे, मैं खरीदूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, कोई फ्रेंड बता रहे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कंपेरेबल है, कितना जबरदस्त तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, और अगर चलो इनकेस कहता हूं कि मुझे 1-2% छूट रहे, तो वो भी टॉपिक आपको यहां पे मैं पढ़ाऊंगा, आपको अलग कोर्स लेने की आवश्यकता क्या है अगर यहां पे सारी चीज आपको मिल जा रही है। तो आप थोड़ा सा रुकिए, समय इस बार कम दिया जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आनंद फानंद में सब लोग कोर्स कंप्लीट करने में हो जाएंगे, कहीं किसी की भी खरीदने का आवश्यकता नहीं है जब टीम परीक्षा प्लस आपके साथ है। और फिर अगर आपको 8-9 तारीख के बाद लगे तो फिर आप स्वैच्छिक है, आप जाइए जहां जुड़ना चाह रहे, जैसे जुड़ना चाह रहे वैसे जुड़िए, लेकिन एक बार आप कम से कम यहाँ पे डेमो ले लीजिए, तब फिर आप जाके कहीं और जुड़ेगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, धन्यवाद सभी का।